हनुमान बलपूर्वक मुझे शनिदेव के पास ले जा रहा है। उनकी क्रोधाग्नि बहुत भड़की हुई है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है, तब तो न जाने क्या कर बैठेंगे वो। अब तो कोई नहीं बचा सकता मुझे। हनुमान, शीघ्र लेकर आओ चंद्रदेव को मेरे समक्ष। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। चंद्रदेव को अपनी क्रोधाग्नि में जलाने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने हनुमान। जो चंद्रदेव को मेरे समक्ष बंदी बनाकर ले आए, बहुत भाग रहे थे ये। चंद्रदेव, अब तुम्हें ज्ञात होगा शनि देव को अपमानित करने का दंड क्या होता है। अब पड़ेगा तुम पर मेरी पूर्ण दृष्टि पार का करको। आज भी उदित नहीं हुए चंद्रदेव, मुझे शीघ्र ही चंद्रजल लेकर सुमेरु पहुंचना होगा। वहां कोई अनर्थ ना हो जाए, मुझे और शीघ्रता से चंद्रगिरी के शिखर की ओर जाना होगा। चढ़ाई तो बहुत कठिन है, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। यदि उस चट्टान तक पहुंच गया तो आगे बढ़ सकता हूँ। दंपति धर्म जगत में पावन, सुखदाई मन मोद बढ़ावन। जहाँ युगल मन प्रीत निभाते, वहाँ सदा हम मंगल पाते। मन में मान रहे गृहिणी का, वह घर मंदिर जगत अनुपा। हेरे साथ रखे जो ध्यान, दंपति वे समाज के मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो बहुत गहरी खाई है। किंतु अंजना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शनिदेव,
चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। दंड नहीं, दंड के पात्र हैं ये। ऐसा मत कहिए शनिदेव, आप दोनों नवग्रह मंडल के सामान्य देव हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। आप दोनों के इस विवाद का प्रभाव पूरे संसार पर हो रहा है। इनसे पूछो हनुमान, क्या इन्हें संसार की चिंता है? इन्होंने मेरा अपमान ही नहीं अपितु संसार के प्रति भी अपराध किया है। माँ, शीघ्र ही स्थिति ठीक नहीं हुई तो मुझे भय है महारानी जी को कुछ हो ना जाए। इनकी दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज चतुर्दशी की रात्रि भी अंधकार में है। आज भी प्रतीत हो रहा है कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाए। चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो महारानी जी कुछ तो अंजल ग्रहण कर लेती। कुछ तो शक्ति मिल जाती इन्हें। चंद्रगिरी पर्वत से चंद्रजल ही आ जाए, कुछ समय के लिए अंजना को शक्ति मिल जाएगी। प्रार्थना करो कि केसरी जी शीघ्र ही वो जल लेकर चंद्रगिरी पर्वत से लौट आए। गए चंद्रजल यहीं कहीं होना चाहिए। वहां कोई कुंड दिखाई दे रहा है। कुंड के जल में ना ही मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ना ही मशाल की अग्नि का। यही है चंद्र जल। अब मेरी अंजना के जीवन की रक्षा हो जाएगी। जब तक हनुमान का उद्देश्य पूर्ण होगा तब तक ये चंद्रजल अंजना की शक्ति बनाए रखेगा। अपने नियत समय पर आलोकित न होकर इन्होंने सृष्टि चक्र को बाधित किया है। मेरा न्याय कहता है कि इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु शनिदेव, क्षमा करना भी तो
पूरे संसार में न्याय ही है। हनुमान, न्याय के देवता को तुम सिखाओगे कि न्याय क्या होता है? बालक हो तुम, अपनी मर्यादा में रहो। आकार बड़ा कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शनिदेव, मैं आपसे छोटा हूँ और आप मुझसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। नहीं हनुमान, एक भूल तुम्हारी माता ने की थी चंद्रदेव को अभय दान देकर, अब वही भूल तुम कर रहे हो। किंतु हनुमान, ना तुम्हारी माँ का वचन पूर्ण होगा और ना ही तुम्हारा ये प्रयास। चंद्रदेव को मेरे कोप का भाजन बनना ही होगा। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्रोधावेश के कारण शनिदेव विवेक शून्य हो गए हैं। न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल गए हैं ये। मेरे क्रोधावेश ने नहीं, अभी तो आपके अहंकार ने आपको विवेक शून्य बना दिया था। बहुत घमंड है ना आपको दक्ष प्रजापति के जमाता होने का। महादेव के मस्तक पर विराजमान होने का। अब देखना कैसे मैं खंड खंड करता हूं आपका यह अहंकार। देख रहे हो शनिदेव का उग्र रूप? चंद्रदेव, कब तक आप भागते रहेंगे? कहाँ जाएंगे आप? परिस्थिति का सामना कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हनुमान, क्या करोगे तुम? शनिदेव ने जो तुमको वरदान दिया है कि उनकी दृष्टि का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, उस वरदान का भी मान नहीं रखेंगे वो। उन्हें इस समय मात्र प्रतिशोध ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कभी तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तुम मेरे दिए गए वरदान के कारण खड़े हो निर्भय होकर मेरे समक्ष। शनिदेव, वरदान ना होता तब भी मैं यही करता। मुझे मेरी माँ के वचन और व्रत दोनों पूर्ण कराने हैं। शनिदेव, मेरी माँ के जीवन की रक्षा उनके व्रत पूर्ण करने से ही होगी। बस यही मेरा उद्देश्य है, इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो हनुमान, किंतु मेरा उद्देश्य है चंद्रदेव को दंडित करना। और मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करके रहूंगा। विलंब मत करो हनुमान, यदि तुम अपने माँ के व्रत को पूर्ण करना चाहते हो तो शनिदेव को विवश करो कि वो अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझसे हटाएं। हनुमान, अपना वचन निभाओ। शनिदेव, चंद्रदेव की रक्षा करने का वचन मेरी माँ ने दिया था और मैं वो वचन निभाऊंगा। मैं करूंगा रक्षा चंद्रदेव की। हनुमान, मुझे चुनौती दे रहे हो तुम शनिदेव को? शनिदेव,
चंद्रदेव को यही छोड़कर चले जाओ हनुमान। यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। शनिदेव, मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। हनुमान, तो अब तुम समझाओगे मुझे? तुम्हारे लिए तो मेरी अन्य शक्तियां ही पर्याप्त है हनुमान, पर तो मुझे दृष्टिपात करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब क्या होगा हनुमान? चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरे पीछे ही खड़े रहिए। तो अब भोगो दंड तुम भी। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं चंद्रदेव को कोई हानि पहुंचने नहीं दूंगा। वीर हो तो युद्ध करो मुझसे, अन्यथा चंद्रदेव के सामने से हट जाओ। नहीं शनिदेव, ना ही मैं चंद्रदेव के सामने से हटूंगा, ना ही मैं आप पर वार करूंगा। ना ही तुम युद्ध करोगे और ना चंद्रदेव को सौंपोगे, चाहते क्या हो तुम? शनिदेव, आपके पिताजी और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं आप पर वार नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे शिष्य का होना तो गुरु के लिए गौरव की बात है, फिर भी यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मात्र मुझे इतना ही चाहिए कि संसार में मेरे पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा हनुमान। ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं उस वचन से बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं चंद्रदेव को भी कोई हानि पहुंचने नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम चंद्रदेव की रक्षा कर पाते हो। Hey, hey, hey.